नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। रविवार को शहर की मुख्य सड़कों पर राष्ट्र सेविका समिति का प्रथम पद संचलन निकाला गया, जिसे शक्ति वंदन का नाम दिया गया। बासोडा में पहली बार देखने को मिला पद संचलन का। शहर भर में जगह जगह स्वागत किया गया, साथ ही फूल बरसा की गई। पद संचलन के लिए शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह पुलिस तैनात रही और हर्षोल्लास के साथ पद संचलन मुख्य सड़कों पर निकला। पथ संचलन का शुभारंभ संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय से प्रारंभ हुआ, जो जयस्तंभ चौक होते हुए मानस भवन पहुंचा, जहां पथ संचलन का समापन किया गया। पथ संचलन में हाथों में डंडा लेकर महिलाएं शामिल थी। बता दें कि राष्ट्र सेविका समिति के तत्वाधान में पथ संचलन का आयोजन हुआ। वही समिति की प्रमुख स्वयं सेविका दीदी ने बताया कि राष्ट्र सेविका समिति का प्रथम पद संचलन निकला है, जिसको हमने शक्ति वंदन नाम दिया है। आगामी वर्ष में जब भी पद संचलन निकाला जाएगा, इसको शक्ति वंदन के नाम से ही निकाला जाएगा। शहर में यह अभी इसलिए निकाला गया है कि नियमित शाखाएं लग रही थी, इसके बाद पथ संचलन की अनुमति हमें मिली है, जिसके लिए हमने पथ संचलन निकाला। उन्होंने बताया कि जो लक्ष्य और भाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वही लक्ष्य और भाव राष्ट्र सेविका समिति के हैं। गंज बासोडा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। राष्ट्र सेविका समिति का प्रथम पद संचलन निकला, जिसको हमने शक्ति वंदन नाम दिया है, और आगामी वर्षों में जब भी ये संचलन निकलेगा तो शक्ति वंदन के नाम से ही निकलेगा। राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना 1936 में 25 अक्टूबर विजयदशमी के दिन हुई, और सामान्यतः संपूर्ण भारतवर्ष में विजयदशमी को ही पद संचलन निकलते हैं या उससे आसपास निकलते हैं। बासुदा में अभी का समय इसलिए तय किया गया था कि एक अभ्यास होना, उनका नियमित शाखाएं लग रही थी और उस शाखा का एक समय काल होता है, डेढ़ वर्ष पूर्ण हो गया, इस निमित्त उनको इस बार पद संचलन की अनुमति मिली है। इस संचलन का उद्देश्य एकमात्र ये है कि स्त्री जो है वो राष्ट्र की आधारशिला है और उसके अंदर जो समाहित शक्तियां हैं वो कभी कभी विस्मृत कर जाती है, तो उन शक्तियों के जागरण के निमित्त हमने इस संचलन को निकाला है। राष्ट्र सेविका समिति स्वाधीनता के पहले से लेकर वर्तमान समय तक राष्ट्र जागरण में अपना कार्य सतत कर ही रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से इसका स्थापना हुई थी और जो लक्ष्य और भाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं वही समिति के हैं। हिंदुत्वनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ मातृशक्ति का मन में राष्ट्र जागरण के लिए जो भाव उत्पन्न हो सके, ऐसी हमारी कार्यशैलियाँ रहती हैं। वर्ग होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं और उसी का एक निमित्त होता है पथ संचलन, कि मातृशक्ति सामूहिक रूप से एक साथ आकर कदम ताल मिलाकर घोष दल के आवास पर एक साथ जब सामूहिक रूप से निकलती हैं तो समाज को भी लगता है कि हाँ, आज भारतवर्ष की महिलाएं सक्षम हैं, समर्थ हैं और राष्ट्र जागरण का कार्य कर सकती हैं।